बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ रही है। बिलासपुर जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि स्वाइन फ्लू से अब तक 144 मरीज पुष्टि हुई है, जिसमें से 38 मरीजों का इलाज जारी है। इस तरीके से बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू के आंकड़े सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाले हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सभी मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। किसी भी लक्षण वाले मरीजों को पूरी तरीके से उपचार किया जा रहा है। इसी बीच स्वाइन फ्लू को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं मौसमी बीमारियों को रोकने में विफल होने का आरोप लगाया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय में लचर हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं, जिसे सुधारने में वक्त लगेगा। तक 144 मरीज जो है रिपोर्ट हो चुके हैं और आज की तारीख में लगभग 99 मरीज जो हैं डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। 38 मरीज जो हैं अभी भी एक्टिव हैं, जिनका कि इलाज वगैरह चल रहा है, उनके कांटेक्ट फॉलोअप में है। ज़्यादातर मौतों का जो हम लोगों ने आंकड़ा देखा है वो सब 60 साल के ऊपर की उम्र के लोग हैं, और जैसा मैंने बताया कि इम्यूनिटी इनकी पहले से कम रहती है और साथ में कुछ एसोसिएट बीमारियां रहती हैं, जिससे इम्यूनिटी का स्टेटस और गिर जाता है, और इस वजह से ये स्वाइन फ्लू का वायरस जो है इन पे गंभीर लक्षण ले आता है और मौत हो जाती है। जबकि देखा जाए कि 144 मरीज में 99 मरीज ठीक भी हो रहे हैं। हमारी सरकार में तो किसी एनीमिया, मलेरिया और किसी से मौत नहीं हुई, लेकिन ये सरकार आते साथ लगातार आदिवासी क्षेत्रों में बस्तर से लेकर सरगुजा तक मलेरिया से मौतें क्यों हो रही है, एनीमिया से मौतें क्यों हो रही है, कुपोषण से मौतें क्यों हो रही है, डायरिया से मौतें क्यों हो रही है, स्वाइन फ्लू से मौतें क्यों हो रही है, हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या सरकार के पास दवाइयां नहीं है? दवाइयां है तो फिर वो नकली दवाइयां आप गांव को सप्लाई कर रहे हैं। निसंदेही संक्रमण का काल है, और आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं नित निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। हम जन सुविधाओं के साथ साथ व्यवहारिक स्वास्थ्य की परीक्षण के साथ साथ और अन्य सुविधाओं को पुनः स्थापित करके, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने जो कोरोना काल के माध्यम से और बाकी व्यवस्था में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, उसको सुधार रहे हैं। थोड़ी व्यवस्था स्थापित होने में समय लगेगा, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूँ कि सुधार भी होंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होगी। तो देखिए, सीजनल बीमारियां हैं, इसको रोकने को लेकर सरकार विफल है, ये कहना है कांग्रेस का। तो वहीं देखिए, वायरस का ये दौर चल रहा है, बीजेपी का ये कहना है, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है इस चेन को तोड़ने के लिए। स्वाइन फ्लू से अभी तक आपको बता दें कि 10 लोगों की मौत हुई है, 144 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। देखिए, ये आंकड़ा करीब 150 के करीब पहुँचने जा रहा है, जिससे जाहिर सी बात है स्वास्थ्य विभाग की चिंताएँ बढ़ी हुई है, क्योंकि इस चेन को तोड़ना बेहद ज़रूरी है। हालांकि इस मामले को लेकर अब देखिए सियासत भी कैसे तेज हो रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किस तरीके से बीजेपी पर हमलावर वो नजर आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूरी तरीके से फेल है, तमाम सीजनल बीमारियों को रोकने के लिए सरकार का कोई प्लान नहीं है, कोई रोडमैप नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की कार्यकाल में उस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हुई थी, इसे सुधारने में वक्त लगेगा। दुर्गा प्रसाद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। दुर्गा, देखिए, स्वाइन फ्लू के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ा जो है करीब 150 के आसपास पहुंचने वाला है, इस चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है? जी देखिए, बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते पूरे जिले में अलर्ट जारी किया गया है। अभी तक जिले में इनके आंकड़ों की बात की जाए तो 144 की संख्या में स्वाइन फ्लू के मरीज पाए गए हैं, जिसके 38 मरीजों का भी इलाज जारी है अलग अलग अस्पतालों में, और वही 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 7 मौतें स्थानीय जिले की हैं और 3 जो जिनकी संख्या वो अन्य जिलों से आए हुए थे, जिनका उपराज यहाँ बिलासपुर में चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनकी मौतें हो गई थी। इसको लेकर अभी राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसको लेकर सरकार को घेरा था और लापरवाही का आरोप लगाया था। जी दुर्गा प्रसाद, बिलासपुर में कौन कौन से हॉटस्पॉट है जहां पे सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं, और वहां पे क्या हिदायत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है?
जी देखिए, अभी तक जो आंकड़े और जो मामले सामने आए हैं वो किसी एक निश्चित जगह पे अभी तक नहीं आए हैं। सारे जो भी 7 मामले जो बिलासपुर से आए हैं वो अलग अलग क्षेत्र से हैं, जो लगभग पूरे जिले के अलग अलग दिशाओं को कवरेज करते हैं। जहां जहां भी अभी तक स्वाइन फ्लू के केस मिले हैं उन जगहों को उनकी हिस्ट्री भी खंगाला जा रहा है और जी उन जगहों को सख्त निर्देश दिया गया है। अच्छा, एक और चीज बताइए जरा, कौन से वर्ग में, किस एज में सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले देखने को मिल रहे हैं? बुजुर्ग में, बच्चों में या फिर महिलाओं में? जी निश्चित तौर पर अभी जितने भी अभी तक स्वाइन फ्लू के केसेस मिले हैं सबसे ज्यादा बुजुर्ग महिलाओं को ज्यादातर देखा गया है, और जिनकी मृत्यु हुई है उसमें भी सबसे ज्यादा महिलाएं ही हैं, जो जिनका उम्र 50 से ऊपर या 70 के पार का एज बताया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए जरा, सब ये फैल क्यों रहा है, क्या वजह समझ आई अभी तक? जी इसमें जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जानकारी दिया गया है इसमें कमी और ठीक है, कर। तो चलिए, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है। जी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार इसको लेकर मुहिम चलाया जा रहा है, और लोगों को जनजागरूकता अभियान के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह से स्वाइन फ्लू के बीमारी से बचा जा सकता है, और इसको लेकर जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट में मूड में है, और सभी जगहों को इसके उपचार के लिए और इसके रोकथाम के लिए उपाय का पहल किया जा रहा है। जी ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।